हाय एवरी वन वेलकम टू करण क्रंच तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो से जैसा कि कल मैंने सिलेबस अनाउंसमेंट में आपको कहा था कि आपका जो पार्ट वन है सिलेबस का विच इज के स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के मैं वो भी कवर करवाऊंगी तो ये वीडियो में हम वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे ठीक है ये आपके ट्वेंटी मार्क्स का है एंड प्लस स्पेशलाइजेशन का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है चैनल पे वो आपके सिक्सटी मार्क्स का है तो टोटल मिला के एट्टी आउट ऑफ वन ट्वेंटी मार्क्स आपके इन्हीं दो यूनिट से बनते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अभी तक आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ठीक है तो इसमें आपको सारा जो भी वीडियोज एंड मटीरियल मिलेगा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा एंड अगर आपको मेरे वीडियोस का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहाँ पे मैं पीडीएफ एंड टेस्ट सीरीज एंड आपके स्कीम्स का जो पीडीएफ वगैरह है वहीं पे अपलोड करती हूँ ठीक है तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करना वहाँ से सारा ये मटीरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक ये हम स्टार्ट करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट से क्योंकि जो स्पेशलाइजेशन का कोर्स हम कर रहे हैं तो ऑलरेडी वहाँ पे एक्ट फंडामेंटल राइट लॉज ये सारी बातें हो गई हैं आज मैंने आपको स्ट्रेटेजरी एंड uh, आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस वगैरह क्या होता है ये सारी चीज़ें भी हमने वहाँ पे डिस्कस की तो इस वजह से हम कॉन्स्टिट्यूशन से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत इंट्रो जो है आपको इन चीज़ों का मिल गया है मेरे स्पेशलाइजेशन वाले पार्ट से भी तो आई एम अज्यूमिंग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको शायद नहीं पता हो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है वो टर्म आज पहली बार सुन रहे होंगे ठीक है तो ऐसी भी ऑडियंस होगी ऐसी भी होगी जिन्होंने ये चीज़ें पढ़ी होंगी तो मैं आपको बिल्कुल ले की तरह समझाऊंगी जो आज फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड भी जिसने आज फर्स्ट टाइम सुना होगा वो ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो समझ जाएगा तो आज का जो वीडियो है इसमें बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग मैं बढ़ाना चाहूँगी इस सब्जेक्ट की तरफ कि आपको पता चले एटलीस्ट कि जो आप आने वाले वीडियोज में पढ़ रहे हो वो सारी चीजें क्या है तो हम सिलेबस के हिसाब से ही चलेंगे पहले देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे देखो हुआ क्या था 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया ठीक है हमें इंडिपेंडेंस मिल गई अब उसके बाद क्या होता आगे ठीक है आपको अब लोगों को गवर्न करना था कोई एक गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए कि लोगों के लिए कुछ रूल्स बनने चाहिए ऐसा नहीं होना कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया मेरी मर्जी अब मैं क्या करूं मुझे पसंद आया मैं नेबर मैं मुझे जो जमीन दिख रही है मैं वहां जाके मकान बनाऊं क्या मैं ऐसा कर सकता हूं नहीं क्योंकि जिसकी वो जमीन है वो जमीन उसकी उसका, रा, उसका राइट है ठीक है उसको राइट टू प्रॉपर्टी है उस जमीन पे ठीक है या ऐसा हो सकता है मुझे अपना नेबर पसंद नहीं तो मैं जाके उसके घर जाके उसका कत्ल कर दूँ किल माई नेबर क्यों क्योंकि मुझे पसंद नहीं है अब मुझे कंट्री से जो है इंडिपेंडेंस मिल गई है ब्रिटिशर्स से अब मैं एक इंडिपेंडेंट फ्री कंट्री में हूँ मेरी जो मर्जी आएगी मैं वो करूंगा ऐसा सब कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि आपको क्या होता है आपको रेगुलेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको कैसे सोसाइटी में रहना है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो इस वजह से कोई रूल्स होंगे ठीक है जो आपको गवर्न करेंगे कि आप कैसे रहोगे जो बताएगा कि आप क्या चीजें कर सकते हो आपके डूज क्या होने चाहिए सोसाइटी में एंड आपके डोंट्स क्या होने चाहिए ऐसा ना हो कि आपकी फ्रीडम जो है वो किसी और के लिए प्रॉब्लम बन जाए ये सारी चीजें जरूरी हैं तो इन सारी चीजों के लिए हमें क्या चाहिए था एक फ्रेमवर्क चाहिए था जो हमें गवर्न कर सके ठीक है जो ये सारे रूल्स जो राइट्स हैं रेगुलेशन हैं लिमिटेशन हैं ठीक है थीके? जो रेस्ट्रिक्शंस हैं हमें सारी बता सके कि वो क्या है उसके लिए एक फ्रेमवर्क डेवलप होना चाहिए तो फ्रेमवर्क कैसे डेवलप किया गया वो डेवलप किया गया वो सारी चीजें डाली गई एक बुक में आप उसको बोल दो या एक डॉक्यूमेंट में बोल दो जिसको नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है अब कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो नो डाउट आपके एग्जाम रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट है पर मैं इस वीडियो में ज्यादा आपको फैक्चुअल डेटा नहीं देना चाहती मैं बस आपकी अंडरस्टैंडिंग पे काम करना चाहती हूँ ताकि एटलीस्ट आप समझ जाओ आप जो पढ़ने वाले हो वो क्या है देन दिस विल फॉलो एक तो जो फैक्चुअल रिलेटेड चीज़ें हैं उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में, में अपलोड कर दूंगी ठीक है सेकेंडली उसका मैं वीडियो भी बना के आपको वो चीजें समझाऊंगी तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट आपने किसी वीडियो में देखा होगा मां तो ये डेट बोली है ये डेट बोली है पर आप वो नहीं बोल रहे हो तो उन चीजों के लिए आपको अभी टेंशन नहीं लेनी है ठीक है तो कॉन्स्टिट्यूशन समझ गई तो आप बोल सकते हो ये एक बेस, बेसिक फ्रेमवर्क था विद विच अ कंट्री इज इस्टैब्लिश्ड एंड गवर्न इस्टैब्लिश्ड एंड गवर्न कि कंट्री को गवर्न करने के लिए आपके पास कोई फ्रेमवर्क होना चाहिए ठीक है जैसे मैंने कहा आप नेबर हुड जाके अपने नेबर की जमीन पे जाके मकान थोड़ी बना सकते हो आपको ये रूल पता होना चाहिए कि राइट टू तो प्रॉपर्टी है मैं इन्वेड नहीं कर सकता किसी की प्रॉपर्टी वो उसके राइट्स पे उसका Uh, उसके uh, राइट्स पे रेस्ट्रिक्शंस uh, पुट करेगा उस इंसान के राइट्स पे जिसकी प्रॉपर्टी में मैं जाके मैं जमीन मकान बनाना चाहूंगा तो ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते तो ये सारी चीजें मैंशन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में तो इट इज़ नथिंग बट ए फ्रेमवर्क विद विच अ कंट्री इज इस्टेब्लिश्ड एंड गवर्न किस हिसाब से आपकी कंट्री को गवर्न किया जाएगा वो सारी चीजें किसमें है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक है क्या फंक्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्यों बनाया पहले मैंने आपको बोला गवर्न करने के लिए बनाया ठीक है उससे आपको बेसिक क्लियर हो गया कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली होता क्या है एक फ्रेमवर्क है जिसके अकॉर्डिंग कंट्री को गवर्न किया जाएगा एंड कुछ फंक्शंस है पहला कि हमें क्या जरूरत थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ठीक है देखो जब यू हैव टू अंडरस्टैंड जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया आजादी मिली ब्रिटिशर्स वापस चले गए तो काफी अलग ग्रुप्स थे इंडिया में जिनकी अपनी ग्रीवेंसेज थी ट्राइब्स वो चाहते थे कि उनको अलग कोई सोल्यूशन मिले उनकी प्रॉब्लम्स का उनको एक इंडिपेंडेंस मिले उन पर जो ट्राइबल्स हैं ट्राइबल एरियाज़ हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पे इन पर काफ़ी एक्सप्लोइटेशन हुई थी ठीक है तो ये क्या चाहते थे इस सब चीज़ का मुआवजा चाहते थे कि हमें अलग थलग करो हमें अपनी इंडिपेंडेंस से तो हमारे साथ ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करो हमारे अफेयर्स में ये ट्राइब्स का इशूज़ था कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज का इशू था कि हमें अपनी रिलीजन फ्रीडम दे दो हमारे रिलीजन में ज्यादा तांका जाकी नहीं करो ठीक है ये इनका इशू था कुछ लोग थे जिनका लैंड रिलेटेड था लैंड रिफॉर्म्स लेके आओ तो काफी सारी प्रॉब्लम्स जो थी अलग अलग ग्रुप्स फेस कर रहे थे कुछ स्टेट्स कर रहे थे हमें लैंग कह रहे थे कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे अपनी आइडेंटिटी दे दो तो कहने का क्या मतलब है अलग अलग ग्रुप जो है सोसाइटी में उस टाइम पे थे इंडिपेंडेंस के बाद या जब ब्रिटिशर्स चले गए तो वो सारी काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे तो उन, उनको क्या बोला गया कि उनकी जो कोर प्रॉब्लम्स हैं मेन मेन प्रॉब्लम्स हैं उन इश्यूज़ को एड्रेस किया जाएगा डोंट वरी हम आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करेंगे हम आपके इश्यूज़ पे ध्यान देंगे हम आपके इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे तो उस प्रॉब्लम को उनकी प्रॉब्लम्स को जो है एड्रेस करने के लिए और जो उनको प्रोमिस किए गए थे आजादी के टाइम भी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी जिसमें सारी चीजें एक जगह मैंशन हो ठीक है ना अगर ट्राइबल्स को लेके कोई रूल और लॉ आप लेके आते हो तो वो सारी कहीं एक जगह मेंशन होनी चाहिए ताकि जो ट्राइबल लोग हैं अगर फिर कोई भी आगे इन फ्यूचर किसी ट्राइब में कोई प्रॉब्लम होती है आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हो उस बुक में जाते हो वो खोलते हो उसमें देखते हो फलानी एक्ट में फलानी आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है ठीक है तो ऐसे करके आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो तो एक था कि कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना ये इसका फंक्शन था फंक्शन है कॉन्फ्लिक्स रिजोल्व करता है सेकेंडली ये क्या करता है ये पावर देता है आपको बिना स्पेशलाइजेशन में भी जब स्टैट्यूटरी बॉडीज पढ़ाई और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी मैंने आपको कहा होती है जैसे कुछ आर्टिकल के अकॉर्डिंग मेंशन है कुछ आर्टिकल में स्टैब्लिश करो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन के पास क्या पावर है ये सारा आपका जो इलेक्शन सिस्टम है कि कैसे जो आपके इलेक्शन वगैरह होंगे उनको ओवरलुक करता है वो चीजें रेगुलेट करता है तो इलेक्शन कमीशन वहां से आता है आपका यूपीएससी जो है जो एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करता है ये बॉडी कैसे काम करेगी इसको इसकी रेगुलेशन सारी तो इसको क्या पावर मिलते हैं यूपीएससी को वो सारा किस में मैंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में तो आप कह सकते हो ये पावर एलोकेट करता है ठीक है और क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन आपका ये लिमिट करता है पावर को इट लिमिट्स द पावर अब आप सोच जो कि पावर को कैसे लिमिट करेगा ये आपको आगे टॉपिक में पढ़ना है एक जगह फंडामेंटल राइट्स, ठीक है तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली क्या है वो वो राइट्स हैं जो आपके लिए फंडामेंटल है हमारे लिए फंडामेंटल है इंडिविजुअल्स के लिए मैंने आपको स्पेशलाइजेशन uh, में भी एग्जाम्पल एक जगह कही थी कि अगर ऐसा हो जाए कि आप बीजेपी गवर्नमेंट uh, आ जाए ठीक है आगे जाके और आप पीडीपी वर्कर हो तो क्या बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो आपको बोल सकते हैं कि नहीं आपने मेरे लिए काम नहीं किया आपने एनसी के लिए काम किया आपने पीडीपी के लिए काम किया तो मैं आपसे ये फंडामेंटल राइट right छीनता हूं अब आपके पास राइट टू फ्री स्पीच नहीं है ठीक है फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट मैं आपसे छीनता हूँ क्या ऐसा हो सकता है नहीं क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है पावर दिया है वो पावर किसके अगेंस्ट भी जा सकता है वो पावर स्टेट के अगेंस्ट भी जा सकता है क्योंकि वो स्टेट आपके पावर को स्टेट की अथॉरिटी से भी ऊपर रख रहा है ऑल दो इसमें एक्सेप्शन हैं जो हम फंडामेंटल राइट right में हमें डिस्कस करने हैं लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप ये समझ सकते हो ये लिमिट करता है पावर ऑफ द स्टेट कि अगर आपकी गवर्नमेंट चाहे कि आपको ये पावर ना मिले क्योंकि आप गवर्नमेंट के लिए अच्छे इंसान नहीं हो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिविजुअल को पावर दिया है तो ये रोकेगा कम करेगा पावर ऑफ स्टेट को जो स्टेट का पावर है उसको भी कम करेगा फंडामेंटल राइट right देने के लिए किसको एक इंडिविजुअल को तो अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आ जाए दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्लेम्स ऑफ द इंडिविजुअल्स स्ट स्टेट ठीक है तो यहाँ पे इसने एक फंक्शन इसका पावर एलोकेशन का आ गया एक फंक्शन इसका लिमिट का भी आ गया कि स्टेट के पावर को लिमिट भी करेगा क्योंकि आपको ज्यादा पावर्स देगा कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है आप फ्रीली एंजॉय कर सकते हो और स्टेट आप पे कोई उसमें रेस्ट्रेंट्स रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता हाँ देर आर फ्यू एक्सेप्शन ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं इनमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं जैसे मैंने कहा आप बोलोगे मुझे राइट टू फ्री स्पीच है आप जाके अपने पड़ोसी के घर जाके या उसके बाहर जाके पार्क में खड़े होके उसको गालियां देना शुरू करो तो क्या वो राइट टू फ्री स्पीच जो आपका है उसका मतलब ये है कि आप दूसरे को परेशान कर सकते हो नहीं इस वजह से कुछ एक्सेप्शन हैं जहाँ पे आप प, आपको भी लिमिट किया जाता है लेकिन वो हमें बाद में पढ़ना है आप जनरल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझो कि लिमिट करता है पावर को भी ठीक है एंड ये क्या करता है ये प्रोवाइड करता है वेलफेयर मेजर्स प्रोवाइड्स वेलफेयर मेजर्स वो कौन से वेलफेयर मेजर्स हैं वो आपको आगे देखने हैं जब आप पढ़ोगे आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी तो इसमें बेसिकली वेलफेयर मेजर्स को ही डिस्कस किया गया है वो हम हाँ आगे देखेंगे जब आप डीपीएसपी पढ़ोगे वो डीपीएसपी भी पार्ट है आपके सिलेबस का ये क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन ये आपको एक फॉर्मल पोलिटिकल आइडेंटिटी देता है फॉर्मल पोलिटिकल आइडेंटिटी दी है आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने वो कैसे दी है 1947 में जब आजादी मिली उससे पहले आपकी क्या अपनी आइडेंटिटी थी जो आपका प्री इंडिपेंडेंस टाइम था उससे पह, उसमें क्या आपकी आइडेंटिटी थी क्या आप यू आर द सब्जेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया आपको बोला जाता था कि यू आर द सब्जेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी एक ब्रिटिश के अंडर आप थे इंडिया उसकी कॉलोनी थी ब्रिटिश की एंड अब उसी के बस रहने वाले लोग थे लेकिन 1947 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन आया एंड आपको जो है इंडिया के हवाले किया गया कम्प्लीटली इंडिया के साथ आप आ गए तो आप बन गए इंडियन सिटीजन तो आपको एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी मिली थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें आपको वेरियस राइट्स आपके एक्सप्लेन किए गए और ये बोला गया कि आप इंडियन हो और ये आइडेंटिटी आपसे कोई नहीं छीन सकता ठीक है तो ये कुछ फंक्शंस है कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पे देख लेना और अपने नोट्स में सारी चीजें भी लिख लेना क्विकली एक बार ही देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या मैंने आपको का फ्रेमवर्क है विद विच ए कंट्रीज एंड गवर्न बेसिकली क्या कहते हैं कि आपको कैसे गवर्न किया जाएगा क्योंकि आजादी के बाद आपको हवाले किया गया इंडिया के कुछ लीडर्स थे ऑलरेडी जो पहले प्री इंडिपेंडेंस टाइम से जो आजादी के लिए लड़ रहे थे वही लीडर्स आगे आके उन्होंने कॉन्टिन्यू किया और अपनी गवर्नमेंट बनाई और उन्होंने फ्रेम किया कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें बातें की गई कि आपको कैसे गवर्न किया जाएगा ठीक है और इसके फंक्शंस क्या पहले मैंने कहा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना क्योंकि काफी ज्यादा ग्रुप्स ऐसे थे सोसाइटी में जिनके अलग अलग रिवियंसिस थी तो उनको बोला गया कि आपके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं आपके उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा अगर रिलीजन जो डिफरेंट रिलीजन ग्रुप्स हैं उनका उसका कोर प्रिंसिपल क्या होगा कि हमारे रिलीजन की प्रोटेक्शन होनी चाहिए और हमें अपना जो रिलीजन है वो एंजॉय करने के लिए फ्रीडम दो तो वो कोर प्रिंसिपल है तो उनको बोला गया आपके जो कोर प्रिंसिपल है हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे डोंट वरी लैंड रिफॉर्म्स को लेके जो इनक्वालिटी है वो भी हम प्रोटेक्ट करेंगे डोंट वरी लैंग्वेज के बेस पे आपको अलग स्टेट चाहिए ठीक है हम इस बारे में बात करेंगे डोंट वरी तो इतने सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स उस टाइम पे राइज हो रहे थे आजादी के बाद क्योंकि इंडिया डाइवर्स कंट्री है इसमें आपको अलग कल्चर अलग ग्रुप्स देखने को मिलेंगे तो वो अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग ग्रीवियंसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी जहां पे सारे एक जगह पे हम लॉज जो है बना के लिख सके ये पावर एलोकेट करता है ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही आर्टिकल्स मेंशन है जहाँ पे अलग बॉडीज बनती हैं उनको अलग पावर्स दिए गए हैं ठीक है एंड आपके इलेक्शंस पार्लियामेंट एम पी सारा सबके जो भी पावर्स हैं वो कहाँ पे मैंशन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इन वेरियस आर्टिकल्स ठीक ये लिमिट करता है पावर किसका लिमिट करता है ये स्टेट का लिमिट करता है पावर ठीक है क्योंकि आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो आपसे स्टेट नहीं छीन सकती है एंड देन ये कुछ वेलफेयर मेजर्स प्रोवाइड करता है जैसे आपको डी में एक्सप्लेन किया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये हमें आगे देखना है पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी दी है आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने क्योंकि इसने आपको बताया आप इंडियन सिटीजन हो उससे पहले यू वर द सब्जेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड नथिंग एल्स ठीक है तो ये कुछ इसके फंक्शन हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट करते हैं हमारे फ्रेश टॉपिक से कॉन्स्टिट्यूशन के बाद का नेक्स्ट टॉपिक दिस इज योर प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में भी बेसिक फीचर्स रहता है आई नो आप देखो मैं कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाती हूँ उसका कोई मतलब होता है जो मुझे पता होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले क्या समझना जरूरी है आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना और जल्दी जल्दी आप डर जाते हो एंड कमेंट करते हो कि मैम वो पोर्शन तो रह गया कुछ नहीं रहेगा सारा कवर होगा ठीक है देखो प्रीएम्बल क्या होता है अब आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ठीक है अब अगर किसी को जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है तो उसके लिए क्या वो पूरा मतलब ये लॉजिकल है कि वो इतनी बड़ी किताब सारे कॉन्स्टिट्यूशन इतने सारे एक्ट आर्टिकल सब कुछ पढ़े नहीं ठीक है तो अगर उसको देखना है बेसिक एसेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का एक डॉक्यूमेंट जिसमें कैप्चर हो थोड़ा इंट्रोडक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन uh, का एंड जिससे आपको ये पता चले अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे क्या मकसद था इंडिया को कैसे पोर्ट्रे करना चाहते थे ठीक है तो आप इसको इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हो इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें बेसिकली क्या होता है होता है अगर आप कोई भी बुक पढ़ो या चैप्टर पढ़ो आपने देखा होगा प्रीफेस लिखा होता है पहले जिसमें एडिटर थोड़ा अपने बारे में कुछ बोलता है बुक के बारे में लिखने के पीछे क्या मकसद था एडिटिंग क्यों की क्या की वो सारी चीजें जैसे प्रीफेस होता है किसी बुक का वैसे सेम आपका प्रीएम्बल है ठीक है इसमें क्या मेंशन है ये समरा समरी आपको देता है जो भी एम है एंड जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसकी आपको समरी देगा तो अगर आप प्रीएम्बल समझ जाओ अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में फर्दर जो आगे काम हुआ है जैसे आर्टिकल्स आए हैं वेरियस आर्टिकल्स आए हैं अमेंडमेंट एक्ट जो इतने सारे लाए गए हैं ठीक है थीके? इतने पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन सब के पीछे क्या मकसद होगा वो आपको पता चलेगा जब आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो समझोगे और वो एम एंड ऑब्जेक्टिव आपको कैसे पता चलेगा प्रियम्बल से ठीक है मैं पहले आपको ये स्क्रीन देख लो आप मैं आपको प्रियम्बल दिखाती हूँ बेसिकली इंडिया का क्या है प्रियम्बल तो क्या कहता है ये वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजोल्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू अरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सेक्यूर ऑल इट सिटीजन्स जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी ठीक है तो ये सारे जो भी आप हाईलाइट पोर्शन देख रहे हो ये बेसिकली क्या है ये एसेंस है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के जो फर्दर आगे एक्सपेंशन हुई है कॉन्स्टिट्यूशन की वो कहीं ना कहीं इन्ही लाइन्स को इन्ही वर्ड्स को दिमाग में रखे हुई है तो प्रियांपल पढ़ने के लिए आपको इन सारे टर्म्स का क्या मतलब है एटलीस्ट वो चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में ऐसे आ सकता है अगर आपको सॉवेनिटी का मतलब पूछा जाए सोशलिस्ट का मतलब पता जाए तो आपको इसके रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए ठीक है तो ये आ, हो गया आपका प्रियम्बल ये देख लिया आपने तो ये आपका प्रियम्बल होता है अब प्रियम्बल में हम क्या देखते हैं कौन सी सारी चीजें जो मैंने अभी आपको इस इमेज में दिखाई वो सारी चीजें हमें थोड़ा बहुत पढ़नी है उतनी डिटेल में नहीं पढ़नी इसके रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट एंड क्या फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे देखो प्रियम्बल को आपको डिटेल में क्या देखना है पहले हम इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं उसके बाद फिर हम इसके फैक्ट्स पे बात करेंगे ठीक है तो कॉन्सेप्ट में पहले देखते हैं प्रियम्बल में आपको क्या देखना है पहले पहला चीज होता है प्रियम्बल का सोर्स ऑफ अथॉरिटी ये जो तो सोर्स है इस अथॉरिटी का प्रियम्बल का वो सोर्स कहां से आता है तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ प्रियम्बल हम बोलते हैं लोगों को पीपल वो हम क्यों बोलते हैं सोर्स ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम इसका पीपल है क्योंकि आप खुद ही देखो प्रियम्पल बनाया था बनाने के लिए एक बॉडी मिली थी उस बॉडी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ठीक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो फॉर्म हुई थी आपको अब डिटेल में नहीं जाना वो कैसे फॉर्म हुई थी वो आपका पार्ट नहीं है बस आप इतना समझो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी होता क्या है बेसिकली एक बॉडी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन आपका फ्रेम किया उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ठीक है बाद में जब इंडिया में पहले जनरल इलेक्शन हुए थे जनरल असेंबली इलेक्शन इंडिया के पहले हुए थे जनरल असेंबली इलेक्शन तो जो वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उन लोगों ने इलेक्शन जो है वो जीता था दे वॉन्ट द इलेक्शन तो अब आप इस दो चीजों को रिलेट करो कि जिन लोगों ने आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया उन लोगों ने बाद में इलेक्शन जीता तो कहीं ना कहीं वो जो लोग हैं अपनी जो आइडियोलॉजी उन्होंने रिप्रेजेंट की वो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी उन सब लोगों की है जिन लोगों ने उनको वोट दिया तो आप सोर्स ऑफ अथॉरिटी बोल सकते हो कि कहाँ से वो सोर्स आया वो लोगों से ही आया क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आपका कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया कल को जाके उसी कॉन्स्टिट्यूएंट uh, असेंबली के मेंबर्स ने इलेक्शन भी जीता तो उन्होंने रिप्रेजेंट किया लोगों को तो वो लोगों की जीत हुई तो आप बोल सकते हो ना सोर्स कहाँ से आया सोर्स लोगों से ही आया ऐसा तो नहीं है ना एक बॉडी आई ठीक है वो बॉडी बिल्कुल अलग थलग रखी गई उसको लोगों को पता भी नहीं था इस बॉडी के मेंबर्स कौन से और उनने आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अगर ऐसा हुआ होता तो हम बोलते कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है प्रियम्बल की वो वही दस मेंबर हैं ठीक है थीके? लेकिन ऐसा नहीं हुआ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स मिले और उन मेंबर्स ने आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ठीक है आपका प्रियम्बल भी उसी का पार्ट है एंड कल को जाके जब इलेक्शन हुए उन्हीं मेंबर्स इलेक्शन भी दैट मीन्स वो जो मेंबर है वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है थीके? तो सोर्स हम बोलते हैं कहाँ से आते हैं आपके लोगों से ही आता है सोर्स तो वो हो गया आपका सोर्स ऑफ अथॉरिटी सेकेंड वन इज ए नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी क्या है तो इंडियन पॉलिटी क्या होता है इसमें आप कंफ्यूज़ नहीं होना आपके सारे जो लॉज मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशन वगैरह कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजोल्व होता है पब्लिक डिसीजन मेकिंग कैसे होती है स्टेट का क्या का काम होता है उन सब चीजों को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक टर्म से जिसका नाम है पॉलिटी तो नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी क्या है इंडियन पॉलिटी जो मैंने आपको अभी प्रियम्बल में बताया इंडियन पॉलिटी कहता है कि क्या है सोवेरियन सेक्यूलर डेमोक्रेटिकन सेक्यूलर सोशलिस्ट हम इसी फॉर्म में लिखेंगे जिस फॉर्म में ये प्रीएम्बल में गिवन है सोशलिस्ट डेमोक्रेट सोशलिस्ट रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक ठीक है एक बार ही हम फिर से प्रीएम्बल देखते हैं सोवेरियन सोशलिस्ट सेक्यूलर रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक ठीक है तो ये सारी चीजें बताता है नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी क्या है ये और इन चीजों को हमें अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है ये टर्म्स क्या है एंड तो इनके रिलेटेड फैक्ट्स और ये आपको प्रीएम्बल बताता है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन पॉलिटी क्या है कि वो क्या अचीव करना चाहता है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन पॉलिटी दिस इज योर इक्वालिटी फ्रीडम लिबर्टी जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी ठीक है और प्रीएम्बल में एक इंपॉर्टेंट चीज है इसका डेट ऑफ अडॉप्शन तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है आपके एग्जाम के लिए कि डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है देखो इसको अडॉप्ट किया गया था ट्वेंटी सिक्स नवम्बर नाइनटीन फोर्टी नाइन में फाइन एंड कितने साल लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में एंड और वो सारे फैक्ट्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उसका पी भी आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी एंड उसका वीडियो भी बनाएंगे ये वाला टॉपिक बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप एटलीस्ट यू विल गेट इंट्रोड्यूस टू द सब्जेक्ट मैं पहले ही आप फैक्ट्स सारे थोप थी कि ये डेट याद करो ये डेट याद करो आप कन्फ्यूज हो जाते ना याद करने में तो आप समझते कब कि प्रियम्बल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तो अब आप नेक्स्ट में आपको फैक्ट्स भी मिलेंगे एंड आपको उसका पी डी एफ भी मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में 26 नवंबर 1949 जो है इसको अडॉप्शन तब अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को तो इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन 26 नवंबर ठीक है एंड इट केम इनटू फोर्स कब ये लागू कब हुआ था 26 जनवरी 1950 जो आपका क्या है रिपब्लिक डे ठीक है तो ये आपके किसमें है प्रियाम्बल में एक बार फिर से प्रियाम्बल देख लो जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी इसको थोड़ा हम डिस्कस करेंगे जस्टिस क्या होता है लिबर्टी क्या होता है इक्वलिटी फ्रेटर्निटी ये सारी चीजें क्या है नीचे देखो लास्ट वाला पैराग्राफ इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस ट्वेंटी सिक्स डे ऑफ नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन डो हेयर बे अडोप्ट इन एक्ट एंड गिफ्ट टू आर सेल्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो मैंने आपको बोला वो यही बात हुई यहाँ पर कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी कैसे आई लोगों से क्योंकि जो मेबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उन्ही मेंबर्स ने इलेक्शन जीता दैट मीन्स वो मेम्बर्स सिर्फ खुद को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे वो पूरे मासेज को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो सोर्स कहाँ से आया अथॉरिटी का इन सब मासस से ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं प्रियाम्बल की जो हमें थोड़ा डिटेल में डिस्कस करनी है ये सब क्या होती है एंड देन इसके रिगार्डिंग कोई फैक्ट्स जहां से क्वेश्चन बनने के आपके नाइनटी नाइन परसेंट चांसेज है वो सारे फैक्ट्स जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्टुअल रिलेटेड चीज़ें होंगी इसकी वो मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगी और जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट होगा वो हम ऐसे व्हाइट बोर्ड पे कवर करेंगे ठीक है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मुझे कमेंट से बताएं आपको वीडियो कैसा लगा आई होप ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्लियर हुआ हो प्रीएम्बल क्या होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ठीक है तो टिल द टाइम मैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे